केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल गए हैं। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज सुबह 6:20 पर मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलते ही भक्तों ने बम बम भोले के जयकारे लगाए। पहले दिन वहां श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन मौसम की मार केदारनाथ पर है। वहां पर बर्फबारी रह रहकर हो रही है, माइनस में तापमान है, और ऐसे में दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आए हैं उनमें उत्साह की बिल्कुल कमी नहीं दिख रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें जब केदारनाथ के कपाट खुले और आखिरकार बाबा केदारधाम के कपाट खुल चुके हैं। इसी के लिए चलते ये वो जहाँ कहा जाता है जहाँ शिव है वही स्वर्ग है, तो बाबा केदारधाम जहाँ पर है ये भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। रावलों ने पूजा अर्चना की है, आरती की है, कपाट खुल चुके हैं और यहाँ साक्षात नंदी विराजमान है। प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच से हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। भारत का ऐसा कोई हिस्सा कोई कोना नहीं है जहाँ से श्रद्धालु आज सुबह नहीं पहुंचे हों। हालांकि कपाट 25 तारीख को खुलने वाले थे, लेकिन 24 तारीख से ही भक्तों का केदार घाट पर चुका था। जिन्हें सोने रहने की जगह नहीं मिली वो रात भर रात के 2 बजे से लाइनों में खड़े रहे, वो भी तब जबकि मौसम बादल है और ऐसे में पूरा एक सप्ताह मौसम कुछ इसी तरह खराब हो सकता है। और सर मुझे हिदायत जरूर दे रहे हैं कि अगर आप इस यात्रा में आना चाहते हैं तो इंतजार कर लें, मौसम साफ हो जाए बर्फ निकल जाए, लेकिन जहाँ आस्था होती है वहाँ कोई चुनौतियाँ भक्तों को भगवान से मिलने के लिए कभी रोक नहीं सकती। भगवान खुल चुके हैं, पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, लाइनों में आएंगे लोग व्यवस्था के साथ दर्शन करेंगे।